नमस्कार, आप हैं दखबरदार.com के साथ और मैं हूं बेग। रीवा लोकसभा के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपकर विद्यार्थियों की एक सेमेस्टर की फीस माफ किए जाने की मांग रखी। श्री तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज देश जिस महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में हमने हर वर्ग के लोगों को राहत देने की बात कही, लेकिन किसी ने इन विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोचा। विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं और हमारी सरकार से यही मांग है कि प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी फीस के अभाव के कारण पढ़ाई ना छोड़े। इसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना होगा। जानने के लिए देखिए हमारी यह रिपोर्ट। देखिए क्या है, हम सबको मालूम है कि पिछले 3 महीनों से हम शायद सदी के सबसे सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है देश हमारा, पूरा विश्व, और समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समस्या से नहीं पीड़ित हुआ है। हम लोगों ने मजदूरों की बातें की, हम लोगों ने किसानों की बातें की, गरीब वर्ग की बात की। इन सब के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं। अगर मजदूरों के पास पैसा नहीं होगा, मध्यम वर्गीय अभिभावकों के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर किसान गरीबी से गुजर रहा है, तो जाहिर तौर पे वो अपने बच्चे की फीस कैसे दे पाएगा। मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज में स्ववित्तीय कोर्स चलते हैं, सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, स्टूडेंट्स ने बात रखी कि हम फीस देना चाहते हैं, हम फीस दे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आज कोरोना के चलते सरकार सबको मदद कर रही है, मजदूरों की कोशिश कर रही है मदद करने की, किसानों की कोशिश कर रही है मदद करने की, लेकिन हम बच्चे कहाँ जाएं, स्टूडेंट्स कहाँ जाएं। मैंने उनकी बात सुनी और मुझे वाजिब लगी, तो इस सिलसिले में हम ये ज्ञापन देने आए थे आदरणीय कुलपति महोदय जी को। इसकी एक कॉपी परम आदरणीय राज्यपाल महोदय के पास भी हम देंगे। इसमें मैंने उनसे यह मांग की है कि आपके जो स्ववित्तीय कोर्स चल रहे हैं, ये सेल्फ फाइनेंस होते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को आप एक लेटर लिखें और उनसे ये बोलें कि जितने स्ववित्तीय कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रदेश में जितने भी चल रहे हैं, उनकी एक सेमेस्टर की फीस माफ़ की जाए, जिससे कोरोना के संकट के कारण बच्चे फीस के अभाव में उनकी पढ़ाई न रोकी जाए और वो पढ़ाई कर सके।